अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा दूसरा लेक्चर है ऑटोकैड के बारे में, जिसमें हम सर्कल कमांड, रेक्टेंगल कमांड और पॉलीगॉन कमांड इस्तेमाल करेंगे। पहली तीन कमांड्स हम कर चुके हैं, यूनिट सेटिंग, लाइन कमांड, एरेज कमांड, लेक्चर नंबर फर्स्ट में। अब नेक्स्ट हम करेंगे सर्कल कमांड्स, रेक्टेंगल कमांड्स एंड पॉलीगॉन कमांड। तो आइए चलिए देखते हैं ऑटोकैड को ओपन करते हैं। कैड को ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा की तरह फर्स्ट स्टेप हमारा यूनिट सेटिंग ही होगा, यू एन इंटर के पहली प्रेस करते ही हमारे पास सेटिंग पहले से हो चुकी है, क्योंकि ये सेटिंग हमने पहले क्लास में की थी। नेक्स्ट ओके प्रेस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल कमांड्स को अप्लाई करते हैं। सर्कल कमांड्स को अप्लाई करने से पहले हमें इसकी कमांड प्रेस करनी पड़ती है या इसको कमांड देनी पड़ती है। सी इंटर स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। ये अब आपसे मांग रहा है कि आप इसके लिए सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर लोगे, मतलब जहां से आप सर्कल क्रिएट करना चाहते हो। तो इसको मैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ। अब नेक्स्ट ये स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब आप इसको कितना रेडियस देना चाहते हो, उस रेडियस के मुताबिक ये आपके साथ ड्रॉ होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको देना चाहता हूँ रेडियस 2 फीट, प्रेस इंटर, तो ये हम मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ होगा। ठीक है, इस तरह अगर आप इसके साथ नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ करना चाहते फिर वही कमांड सी इंटर, ये बड़ा ड्रॉ कर लो, मतलब इसका रेडियस मैं देना चाहता हूँ 4 फीट। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 फीट का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब वही कमांड दोबारा हम रिपीट करते हैं जिस तरह हमने कमांड प्रीवियस पढ़ा था, एरेस कमांड। फॉर एग्जांपल अगर आप इस सर्कल को रिमूव करना चाहते हैं, सर्कल को सेलेक्ट कर लें और प्रेस ई एंटर, तो ये आपके पास रिमूव हो गया। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट कमांड हमारे पास है रेक्टेंगल कमांड्स। ये इसको हम यही रहने देते हैं, इसके साथ हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है REC Enter। REC Enter प्रेस करने के बाद ये आपसे फर्स्ट पॉइंट मांग रहे हैं जहाँ से आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहें, वो फर्स्ट पॉइंट मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर अभी आप इसके साथ माउस के साथ ऐसे ड्रॉ करना चाहते हो तो भी आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ परफेक्ट साइज का रेक्टेंगल बने तो इसके आगे कमांड पे क्या है, वही कमांड है REC Enter स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर डायमेंशन के लिए आप डी प्रेस कर लोगे, फिर इंटर। अब यहाँ पे आपसे लेंथ ऑफ फॉर अ रेक्टेंगल्स, अभी आपसे ये लेंथ मांग रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लेंथ देता हूँ 6 फिट। ठीक है, अब मांग रहा है स्पेसिफाई द वेट फॉर रेक्टेंगल, अब स्पेसिफाई वेट में फॉर एग्जांपल इसको देता हूँ 3 फिट। ठीक है, प्रेस एंटर, तो ये देख रहे हो आपके पास एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। जिस तरफ आप इसको फिक्स करना चाहते हो तो माउस वहां पर क्लिक करके इसको आप फिक्स करते हो। ठीक है, तो ये आपके पास एक रेक्टेंगल इस तरह भी ड्रॉ हो सकते। ठीक है, अब इस दोनों को यही पर रहने देता हूँ मैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीगॉन, POLYGON इंटर। पॉलीगॉन इंटर करने के बाद अब फर्स्ट ये साइज मांग रहे हैं, मतलब आप कितनी साइज का पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं, 5 साइज का, तो इंटर प्रेस कर लो। ठीक है, अब फर्स्ट पॉइंट, अब इन सब्सक्राइब सर्कल या सब्सक्राइब इन सर्कल। ठीक है, तो आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर लो, तो आपके पास ये देख रहे हो ये एक पॉलीगॉन नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो आपके पास एक पॉलीगॉन ड्रॉ हो गए। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि पॉलीगॉन के साथ हम, मतलब ये पेंटागॉन है, हम हेक्सागॉन बनाना चाहते, तो वही सेम कमांड है POLYGON। अब मैं इसको साइड ठीक कर देता हूँ, प्रेस इंटर, अब इंस्क्राइब सर्कल्स। ठीक है, अब देख रहे हो आप, तो ये हमारे पास अब इसकी इस तरह 6 साइड्स आ रहे हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह हम आप सात साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, आठ भी ड्रॉ कर सकते हो, जितनी आपकी मर्जी हो उसके मुताबिक आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, हम सात की ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साइड में इसको सात दे देता हूँ। हेप्टागोन सब्सक्राइब्स अबाउट इन सर्कल्स, ठीक है, ये देख रहे हो अभी इसकी सेवन साइड्स हमारे पास आ गए। तो आज का हमारा क्लास यही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज़।